सब कैसे हो साहब? उम्मीद करते हैं यार सब लोग एकदम बढ़िया हो, मजे में हो, अपनी लाइफ को दिनों को हमेशा की तरह जो है गा रहे हो। सो गाइस, आ गए हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो साथ। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, उससे पहले अपने तारुण नाम ब्रशर हो रही है वजहत यार। अगर चैनल पर नहीं हो तो उसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके। नीचे बैकअप चैनल का लिंक है, उस पर डेली की 2 वीडियो आ रही है, ट्रेलर्स और मतलब की मूवीज पे रिएक्शन के, तो लाजमी चेकआउट कर लेना। और जो बड़ी खबर आ रही है यार, अभी लिंक आया जस्ट के चाइना के बॉर्डर पर। तू बता यार, मतलब चाइना के बॉर्डर पर, मतलब चाइना ने वो एक कोई मिसाइल कैनन्स लगाए, तो उसके मतलब चाइना ने ये, और उसके मध्य मुकाबल फिर इंडिया ने भी अपनी मतलब जवाब के लिए वो अपनी कार्रवाई कर रहा है, मतलब तैयारी कर रहा है वो इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पहले देखेंगे तो उसके बाद ही पता लगेगा क्या होता है इसमें। काउंट डाउन जाए 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। लद्दाख समेत पूरे LSC पर चीनी सेना घुसपैठ के साथ ही भारत को उकसाने की, मतलब घुसपैठ भी कर रही है। लगातार युद्धाभ्यास के प्रोपेगेंडा वीडियो बनाकर ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो युद्ध के हालात के लिए तैयार हैं और भारत पर भारी भी पड़ेंगे। चीन का ग्लोबल टाइम्स तो बार बार ये जताने की कोशिश में ही दिमाग खपा रहा है कि चीन और भारत में सीमा तनाव के बीच उनका युद्धाभ्यास ही सब कुछ है। ये साफ बताने की कोशिश है कि उनकी सेना पहाड़ी जोन के लिए पूरी तरह तैयार है। अच्छा, वो वीडियोस में बताना चाह रहा हूं। रिसर्च में जो कुछ सामने आया है वो चीन को चिंता में डाल चुका है। अमेरिकी स्टडी में सामने आया है कि चीन के साथ इस तनाव के बीच भारत बहुत फायदे में है, जो भारत को 1962 जैसे किसी और झटके से बचा सकता है। दोस्तों, आज हम आपको इसी स्टडी के बारे में तफसील से बताने वाले हैं, जिसे जानकर आप लोग भी अपने देश की ताकत से वाकिफ हो जाएंगे। चीन पर भारी पड़ेगा भारत, अमेरिका की स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा। चीन के साथ जारी तनाव के हालात में अगर युद्ध होता है तो भारत के पास एक बहुत बड़ा पारंपरिक लाभ है, जो कि उन्हें 1962 वाली स्थिति से बचा सकता है। भारत को यह फायदा हवा, जमीन और ऊंचाई वाले इलाके में चीन की रणनीति की वजह से मिल सकता है। इस बात का खुलासा अमेरिका की एक स्टडी में हुआ है। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में मौजूद बेलफोर सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स की ओर से इस साल के शुरू में रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया था, जिसमें भारत और चीन के रणनीतिक संसाधनों के तुलनात्मक डेटा का एनालिसिस किया गया था। आधार पर जो बात सामने आई है वो बता रही है कि 2020 में 1962 के मुकाबले भारत कहीं अच्छी स्थिति में है। तो जाहिरी बात है, रिसर्च में ये डेटा, खुफिया रिपोर्ट्स, राज्यों से हासिल निजी दस्तावेज और चीन, भारत और अमेरिका में मौजूद विशेषज्ञों के इंटरव्यू के आधार पर तैयार किया गया है। स्टडी के 2 ऑथर हैं, डॉक्टर फ्रैंक ओडोनल और डॉक्टर अलेक्जेंडर के बोलफ्रास। डॉक्टर फ्रैंक ओडोनल स्टिमसन सेंटर के दक्षिण एशिया कार्यक्रम में नॉन रेजिडेंट फेलो हैं, वहीं डॉक्टर बोलफ्रास ज्यूरिख के स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडीज के सीनियर रिसर्चर। इन दोनों लोगों ने ये स्टडी मौजूदा हालात में भारत और चीन की लोकेशन और क्षमताओं के आधार पर तैयार की है। अच्छा, मतलब जो लोकेशंस अभी बन रही हैं बॉर्डर पर चीन के मुकाबले भारत के ज्यादा सैनिक। रिसर्च में बताया गया है कि चीन से लगती सीमाओं के पास तैनात भारत के जवानों की तादाद करीब 2,25,000 के आसपास है। किसकी ये चैनल की तुलना में चीन के सैनिक 2,00,000 से 2,30,000 के बीच हैं। लेकिन स्टडी में ये कहा गया है कि चीन के सैनिकों के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। के दौरान चीन के ज्यादातर सैनिक लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें ज्यादातर सैनिक रूस वाली सीमा में व्यस्त होंगे। इसके बाद कुछ और सैनिक शिनजियांग और तिब्बत में विद्रोह को थामने में लगे रहेंगे। इसका सीधा फायदा भारत को होगा। स्टडी को तैयार करने वाले रिसर्चर्स की माने तो अधिकतर चीनी सैनिक भारतीय सीमा से ज्यादा दूरी पर हैं, जबकि भारतीय सेनाओं की फॉरवर्ड तैनाती इकलौते चीनी डिफेंस मिशन के लिए है, जिसकी वजह से भारत का पलड़ा भारी रहेगा।
इसके अलावा भारत के सैनिकों के पास पहाड़ों में युद्ध लड़ने का काफी तजुर्बा है। भारत 1948, 1962, 1965, 1971 और 1999 का युद्ध लड़ चुका है, जबकि चीन के पास ये तजुर्बा नहीं है। 1962 तो चीन ने आखिरी युद्ध वियतनाम के साथ 1979 में लड़ा था, तब उसे मुंह की खानी पड़ी थी। बड़ी बात तो ये है कि 1962 के युद्ध में भारतीय सेना को पूरा राजनीतिक सपोर्ट नहीं मिल पाया था और राजनीतिक मोर्चे पर रणनीतिक संकट था। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है, इस वक्त भारत में सबसे तगड़ा सैन्य कोऑर्डिनेशन है। वायुसेना की ताकत भी चीन से ज्यादा, चीन के पास भारत से ज्यादा आधुनिक फाइटर जेट हैं। लेकिन इसके बाद भी वायुसेना चीन पर भारी पड़ती है। स्टडी के मुताबिक चीन के पास इस इलाके में 101 चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं, लेकिन वो इन सभी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन विमानों से ही वो रूस की तरफ से आने वाली किसी भी परेशानी से निपटेगा। मतलब रूस साथ देगा उसका, भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जबकि भारत अपने पूरे जहाजों का बेड़ा ही चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि मौजूदा हालात में भारत के सामने केवल चीन ही है। हाँ, exactly, और तो नहीं है। साउथ चाइना सी और रूस की तरफ भी ध्यान रखा हुआ है, जिससे साउथ चाइना सी से अमेरिका मिल सकती है। इसके अलावा चीन के पास हालिया लड़ाई का भी कोई अनुभव नहीं है, जबकि भारत लगातार पाकिस्तान के साथ भिड़ता रहता है और पिछले साल ही भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, जिससे इन इलाकों को लेकर भारतीय पायलट चीन से ज्यादा एडवांस हैं। हालांकि चीन के पास एक बेहतर मिसाइल फोर्स है, लेकिन इसके कई डिसएडवांटेज हैं। स्टडी में भारतीय वायुसेना के एक पूर्व अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि अगर चीन सिर्फ 3 हवाई क्षेत्रों पर आक्रमण करता है तो इसे रनवे और टैक्सी वे पर हमला करने के लिए हर दिन 660 बैलिस्टिक मिसाइलों की आवश्यकता होगी। इसे सिर्फ 3 एयरफील्ड्स पर हमला करने में महज 2 दिन में चीन का 1000 से 1200 मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो जाएगा। ये मध्यम और छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हैं। ये हालात तब होंगे जब चीन और किसी अहम टारगेट को निशाना नहीं बनाएगा। अमेरिका में हुई इस स्टडी में बताया गया है कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो भारत को कई मोर्चों पर एक साथ बढ़त मिल सकती है। क्या बात है भाई, रिव्यू की तरफ। तो मतलब ये सारी मौजूदा हालत, मतलब तैयारी जो बताई गई इंडिया की है और यूएस ने जो स्टडी की उसके बुनियाद पर ये बताया गया। चाइना को देख, डर अमेरिका का भी है, रशिया का भी है, चाइना के साथ इधर इंडिया के साथ भेड़ा है और इधर इंडिया का भी है। मतलब 3 डर है चाइना को, ये साथ में फिर जापान भी है, वियतनाम भी है। मतलब चाइना के दुश्मन देखे जाएंगे ज्यादा है। यार ये मतलब के पहाड़ में जिस तरह बताया गया रिपोर्ट, भाई चाइनीज आर्मी वैसे तरह नहीं लड़ सकती और एयरक्राफ्ट इतने ज्यादा यूज नहीं कर सकती इस जगह पे, क्योंकि रशिया का भी उधर, रूस का भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो इंडिया के पास जारी बात है, कोई है तो नहीं, वो तो अपना एक किस्म का सारा बेड़ा यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकता है, इसको प्रॉब्लम। तो फिर ये मतलब काफी गंभीर और सिचुएशन बनी भी है चाइना की। अब चाइना अगर वो चाइना पे कहीं आगे होता है तो मतलब काम थोड़ा खराब भी हो सकता है, क्योंकि मतलब रूस का मुझे नहीं पता था, रूस का तो मैंने सुना था कि मतलब चाइना के भी फ्रेंड है वो। तो रूस का आप लोग बताएं, मतलब कोई न्यू आई है, कोई मतलब खबर आई है जो आप हमें बताएं, शेयर करें हमारे साथ कॉमेंट में, ताकि हमें इससे रिलेटेड ये चीज भी पता लग जाए। और रिपोर्ट्स में आया है कि मतलब के चाइना मतलब कि उस तरह शक्तिशाली फिलहाल नहीं जिस तरह की मतलब के इंडिया अभी फिलहाल है, जो वो रिपोर्ट्स एनालाइजिस कर रहे हैं वो अमेरिकन मतलब नहीं वो नहीं आया। मतलब रिपोर्ट्स में ये आया कि 1962 में जो जंग हुई थी ना, उस टाइम का इंडिया और आपके इंडिया में बहुत गहरी बात ये वाला बताया गया वो, मतलब और ये नहीं बताया गया कि मतलब शक्तिशाली है, मतलब टक्कर देने के लिए। अच्छा, मैं भी सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम, मतलब एक दूसरे को ये टक्कर दे सकते हैं। जाहिर ही बात है दोनों आगे पीछे के कंट्रीज हैं यार, कुछ कंट्री आगे कुछ चीजों में ये आगे है, तो देखा जाए तो काफी मतलब वैसे यार चाइना कर रखी है बस जो था इतनी, मतलब चाइना अभी भी इंडिया ने मीटिंग्स कितनी रखी है रखी है ना, मतलब लेकिन उन लोगों ने सारों में अपनी फिर वो मतलब कहते हैं कि मना कर दिया गया। यार ऐसे नहीं करना चाहिए नहीं भाई, करना अपना चाहिए। मतलब तो और फिर भाई अपने अपने जगहों पे जाओ, क्या खर्चे कर रहे हो, और इन्होंने बोला कि बिल्कुल अगर ये इनके मिसाइल्स चाइना के 2 दिन में खत्म हो जाएंगे अगर इन लोगों ने यूज़ कुछ करा तो।
सही बात है। और वो मैंने कल सर्च भी किया है, जो माउंटेन पर लड़ने वाली बेस्ट आर्मी और इंडियन आर्मी सर्च भी किया था नंबर वन पे। ओह माय गॉड, तो देखना माउंटेन वॉरफेयर के लिए सबसे बेस्ट आर्मी कौन सी है, तो वहाँ पे तुझे खुद बता देंगे। और अगर इसी तरह चाइना का लगा उन्होंने बैंड बजा दिया, तो सर्दी इनको तो मेरे ख्याल में सर्दी में लड़ ही नहीं सकते ये चीनी, छोटी छोटी जो आंखें होती हैं उनकी यार, मतलब मतलब देख अगर ये वाला सीन है तो फिर चाइनीज आर्मी तो लड़ भी नहीं सकती है सही से भाई माउंटेन्स पे इनके साथ, तो फिर काफी डिसएडवांटेज है चाइना को देखा जाए। हाँ। तो आप देख कुछ ना कुछ तो सोच के कर रहा होगा ये भी, ये लोग वीडियोस डाल रहे हैं ये वो, मतलब ये अपनी एक पावर बताना चाह रहे हैं कि हम मतलब कर सकते हैं इन जगह पे, हम अगर जाए तो हम मतलब पहाड़ पे भी लड़ सकते हैं, हम रेडी हैं, तब वो वीडियोस बना रहे हैं। Exactly. यार क्या करें, हम तो यही होप करेंगे कि अमन और शांति से आप लोगों की जो जगह है वो लोग वो आपको वापस कर दें, आपस में डील हो जाए, जो भी डील्स हैं वो सब। और मेरे ख्याल में थोड़ा सा बैरियर रह गया 1 किलोमीटर की 2 किलोमीटर जो उनके कब्जे में। चल वो हो जाएगा, मैं तो कहता हूँ शांति से हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, नमस्ते एंड सत श्री अकाल।